करियर के लिए मैं क्या कहूँ, अभी मेरे करियर को करीबन 7 साल हो चुके हैं। मैं 7 साल पहले मुंबई आया था एंड आई स्टार्टेड मॉडलिंग एंड एक्टिंग एंड स्टाइलिंग टुगेदर। तो धीरे धीरे कैमरा के पीछे कुछ साल काम करके मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब मॉडलिंग करनी चाहिए। तो मैंने काफ़ी एड्स करी, एड्स करते करते मैं ये रिश्ता तक पहुँच गया और आज नैतिक के रूप में आप मुझे देखते हैं। मेहनत काफ़ी लगती है एक जगह तक, एक मुकाम तक पहुंचने में। मैंने कुछ पहले प्रिंट्स किए, धीरे धीरे सीखता रहा कैमरा के पीछे। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली कि एज एन एक्टर आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत आसान काम नहीं है कि सिर्फ कैमरा के सामने आकर आप एक्टिंग शुरू कर दें, और काफ़ी लोग लकी भी नहीं होते इतने कि जिन्हें ऐसा एक मौका मिलता है ज़िंदगी में। तो मुझे वो मौका मिला। धीरे धीरे ऑफकोर्स काफ़ी चीज़ें करने को मिली, काफ़ी डिफरेंट स्टाइल ऑफ एक्टिंग रोल्स। नैतिक के किरदार में ही कितने शेड हैं जो करने में बहुत मज़ा आता है। तो धीरे धीरे ऐसे ही बस सीखते जा रहे हैं और आगे देखते हैं और क्या अच्छी चीज़ें मिलती हैं करने की। यूथ के साथ तो काफ़ी सिमिलर है। आज की तारीख में नैतिक जैसे भी काफ़ी लोग हैं। शादी काफ़ी जल्दी हो जाती है, कम उम्र में हो जाती है। रिस्पॉन्सिबल भी हैं आजकल, आज का यूथ जो है किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करनी होती हैं, एक जॉइंट फैमिली में किस तरह से रहते हैं। हर रिश्ता जो ये रिश्ता में भी दिखाया जाता है काफ़ी यूनिक है, काफ़ी रियल है, इसीलिए ये शो इतना पॉपुलर भी है। लोग इससे काफ़ी कनेक्ट कर पाते हैं। तो आई थिंक इट्स क्वाइट रियलिस्टिक शो। और सिर्फ नैतिक का रोल नहीं, चाहे किसी और का भी आप ले लीजिए, जिस तरह के रिश्ते इन किरदारों में हैं उससे काफ़ी लोग रिलेट कर पाते हैं। सो दैट्स द बेसिक एसेंस ऑफ द शो।